what is the proper use of look, watch and see? Okay, guys, today in this video, you will learn what is the proper use of watch, look and see. Okay, क्योंकि इन सब के बीच में बड़ा confusion हो जाता है. कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे सी का यूज करना है, कहाँ लुक, कहाँ पे वॉच, क्योंकि तीनों का मतलब होता है देखना. तो कहाँ पे किसका प्रॉपर यूज होता है, करेक्ट यूज होता है वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आप आज इस वीडियो से आप जान जाएंगे. ओके, तो सी का यूज करते हैं जब हम कोई चीज़ विदाउट एनी एफर्ट हम देख सकते हैं, वी कैन सी. ओके, तब यूज करेंगे हम सी. आई कैन सी यू, यू कैन सी मी. बट नेचुरल हम अपनी आंखें खोलेंगे तो हम जो भी चीज़ें होती हैं हम देख सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट, तो वहाँ पे सी का यूज होगा. जब हम किसी चीज़ को देखने के लिए एफर्ट करते हैं, लाइक कोई चीज़ मूविंग हो रही है, तो वहाँ पे वॉच का यूज होगा. फॉर एग्जांपल, आई एम वॉचिंग मूवी. मूवी क्या कर रही है, कोई चीज़ मूव कर रही है, तो वहाँ पे हम एफर्ट कर रहे हैं, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे वॉच का यूज होगा. ओके, आई एम वॉचिंग क्रिकेट, आई एम वॉचिंग मूवी. और अब कोई चीज़ को एग्जैक्टली आप पॉइंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लुक एट मी, तो वहाँ पे लुक का यूज करोगे. किसी चीज़ को एग्जैक्टली आपको पॉइंट करना है, पॉइंट करके उसको देखना है, तो वहाँ पे लुक का यूज होता है. आई होप आज आप इस वीडियो से जान गए होंगे कहाँ पे प्रॉपर यूज होता है लुक का, वॉच का एंड सी का. ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग स्पीक इन इंग्लिश. बाय बाय.